अमेरिका के हवाई राज्य में सदन में एक नया कानून बनाने की पेशकश की गई है। इस नए कानून में 2024 तक 100 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए, अगर ये कानून लागू हो जाता है तो अगले 5 सालों में सिगरेट की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। हालांकि यह प्रतिबंध सिगार, पाइप तम्बाकू, चबाने वाले तम्बाकू, गुटखे या ई सिगरेट पर नहीं लगाया जाएगा। इस नए कानून के मुताबिक अगले 5 सालों के दौरान सिगरेट खरीदने वालों की न्यूनतम उम्र सिलसिलेवार बढ़ाई जाएगी। अभी यहाँ सिगरेट खरीदने वालों की न्यूनतम उम्र 21 साल है। 2020 में 30 साल से कम उम्र के लोग सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। इसके बाद 2021 में इसे बढ़ाकर 40, 2022 में इसे बढ़ाकर 50 और 2023 में इसे बढ़ाकर 60, जबकि 2024 में सिगरेट खरीदने की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 100 साल करने का प्रावधान है। यानी यहाँ सिगरेट पीना है तो पहले 100 साल जीना होगा।